तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं पहले से आउटलाइन ड्रॉ करके रखा हूँ। और हाँ गाइस, इस वीडियो में मैं जो पेंसिल का यूज़ किया हूँ वो है आठ लाइन का पेंसिल 2B, 4B एंड 8B। और मैं सही से मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज़ किया हूँ 0.5 mm का। और गाइस मैं बेल्डिंग के लिए ब्रश का यूज़ किया हूँ, जो मेकअप ब्रश होता है ना, मैं वही उसका ही यूज़ किया हूँ। तो गाइस चलिए चलते वीडियो की ओर। और हाँ गाइस, वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हो। तो ठीक है, इस देखो वीडियो को। गाइस अब इधर देख सकते हो, मैं पहले आठ लाइन का जो HB पेंसिल रहता है उसको लेके मैं पहले फर्स्ट लेयर देता हूँ फेस में। अब भी कोई सा भी HB पेंसिल लेके फर्स्ट लेयर दे सकते हो, आपको आठ लाइन का ही पेंसिल यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। आठ लाइन का जो पेंसिल रहता है वो बहुत ही अच्छा पेंसिल होता है, आप भी आठ लाइन का पेंसिल यूज़ कर सकते हो। वो आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा और उसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग आठ लाइन का पेंसिल यूज़ कर सकते हो। और मैं ब्लेंडिंग के लिए देख सकते हो मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। और आप भी एक ब्रश खरीद लो ताकि आपको अच्छे से ब्लेंडिंग हो जाए आपका पिक्चर। तो यह देख सकते हो मैं कैसे ब्लेंड कर रहा हूँ। तो देखो गाइस, मैं जल्दी से ब्लेंड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बता दूँ आप लोग। तो गाइस इधर आप लोग देख सकते हो मैं 4B पेंसिल लेके आई को सेट कर रहा हूँ। तो गाइस आई में जो डार्क वैल्यू है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको थोड़ा सा डार्क पेंसिल का यूज़ करना चाहिए। तो गाइस इधर देखो मैं कैसे कैसे डार्क वैल्यू को अप करता हूँ, आप भी ऐसा ही कर सकते हो। तो गाइस इधर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 4B या 8B पेंसिल यूज़ करें। और अगर आपके पास 4B का मैकेनिकल पेंसिल रहता है 0.5 mm का, तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। वो अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ आठ लाइन का। और मैं सेकेंड लेयर देने के लिए मैं आठ लाइन का 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप भी सेकेंड लेयर देने के लिए कोई सा भी 2B पेंसिल यूज़ कर सकते हो। तो गाइस देखो मैं कैसे डार्क वैल्यू को ऑफ करता हूँ। आपको आप पिक्चर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो मैं कैसे करता हूँ, ताकि आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो सके। तो गाइस देखो वीडियो को। तो गाइस इधर आप लोग देख सकते हो मैं सेकेंड आई को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने फर्स्ट आई को जैसे ड्रॉ किया था वैसे ही सेकेंड आई को ड्रॉ करता हूँ। तो ठीक है गाइस, आप इधर से थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले सकते हो मैं कैसे करता हूँ। तो आप जैसा ऑब्जर्व करने की कोशिश करो मैं किधर कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ और किस किस पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आईब्रो बनाने के लिए मैं 4B की पेंसिल का ही यूज़ किया हूँ। अगर आप 8B पेंसिल यूज़ करते हो तो वो भी अच्छा रहता है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको पूरा जानकारी मिल सके। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। और अब देखो, तो गाइस आज के लिए इतना ही था। इसका अगला जो वीडियो आने वाला है उस वीडियो में मैं इसको पूरा ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा और आपको साथ ही साथ बता भी दूंगा मैं कैसे इसको पूरा ड्रॉ करता हूँ। तो गाइस आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो कैसा हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे हेल्दी स्टे सेफ।